जो व्यक्ति करप्शन किया गया पाया गया उसका सीधे लेटर जाएगा डायरेक्टर विजिलेंस के पास। तो डायरेक्टर विजिलेंस का काम है आगे उसको तहकीकात करना और FIR लगाना, और वो अवश्य लगेगी। मैं सभी कॉरपोरेटर भाई और बहनों को बोलूँगा कि जितने भी आपके वार्ड में गड्ढे हैं उसकी लोकेशन मुझे दे दो ताकि वो एक कलेक्टिव फाइल में सबमिट की जाए और उस पर तुरंत काम होगा। मैं एक पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मुझे पब्लिक की ही ग्रीवेंसेस सुननी है और उसी के बीच में रहना है। मैं ये कहता हूँ कि एक एक इशू को एड्रेस करने से अच्छा है सिस्टम ही अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि जब सिस्टम अच्छा होगा तो सारे इशू खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जम्मू शहर की तस्वीर जो है बहुत जल्द बदलने वाली है, ऐसा कहना मेरा नहीं है, जम्मू शहर के मेयर का कहना है, और कहीं ना कहीं बदलाव के और कदम जो है वो पड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं जम्मू के राजा, हमारे जम्मू शहर के मेयर राजेंद्र शर्मा जी। सबसे पहले राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार राजेंद्र जी, तस्वीर बदलने की बात जो है हो रही है और कई प्रस्ताव भी आपके द्वारा जो है वो रखे गए। सबसे पहले ये जानेंगे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बनने के बाद क्या कुछ स्ट्रेटजी जो है बनाई गई है जम्मू को बदलने की। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ जो कॉरपोरेशन है और जो कॉरपोरेटर्स हैं जिनका नॉमिनेचर अभी तक काउंसलर ही है, उनकी अथॉरिटी मेंटेन करना, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यहाँ हमारे इलेक्शंस नहीं हुए थे और 74th अमेंडमेंट जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने रेड फोर्ट से आह्वान किया था उसका ज़मीनी स्तर पर उतारना, वो मैंने कर दिया है। और यहाँ कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जितने लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो खलावर्जी हों, PDD के हों, PHE के हों, सैनिटेशन के हों, UED के हों, फ्लोरिकल्चर के हों, जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं वो सभी कॉरपोरेटर्स के साथ उनके वार्ड्स में राउंड लगाते आपको नज़र आएंगे। इससे क्या होगा, व्यक्तियों के जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो ये ऑफिसर नोट करेंगे, और जब इनका दूसरा राउंड आएगा तब तक काफ़ी का समाधान हो गया होगा। इससे सर्विसेज हमारी फास्ट होंगी और लोगों को भी उम्मीद बनेगी, यस दीज आर द पीपल हु रियली वांट वर्क, एंड द कॉरपोरेटर्स विल आल्सो गेट एन कॉन्फिडेंस, यस आई एम ए लीडर, आई एम हेयर फॉर द सर्विस ऑफ पीपल। जी, जब आप एक कॉरपोरेटर रहे हैं, आप कॉरपोरेटर भी हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी जब लोगों की समस्या आप तक पहुँचती थी तो आखिरकार आपने खुद में क्या फील किया है कि लोगों को ये समस्या आ रही है और इसका निवारण होना ज़रूरी है। मैं तो उसका तुरंत निवारण कर देता हूँ। आपने अभी देखा एक लड़का आया था जो रो रहा था कि वहाँ मेरी गली में 5 लोगों के शटर लग गए लेकिन मेरा नहीं लगने दिया। मैंने तुरंत उसी वक्त उनको दोनों को बुलाया, खलावर्जी को, मैंने कहा इसका शटर क्यों नहीं लगा, बाकियों कैसे लग गए, तुम्हारा मैं लेटर वहाँ भेजूँगा डायरेक्टर विजिलेंस के पास, इसका शटर क्यों नहीं लगा। तो मैंने उसको बोला आप अपना काम करो और वहाँ जाके शटर लगाओ, और मैं जब उसका शटर लग जाएगा खुद भी वहाँ जाऊँगा। ये जनता हमारी है, उन्हीं के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन ये भी बात है कि ला के कोई चीज़ अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वायलेशन नहीं है, कोई ला के अगेंस्ट नहीं है, तो वहाँ हमें अपने जनता के साथ में चलना होगा। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट जो है इसके पेंडिंग है, उस पर किस तरह से जो है किया जाएगा उसे पूरा। स्मार्ट सिटी की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गति आने वाली है। ट्यूसडे को हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी वो भी जम्मू में आ रहे हैं, और वहाँ उनको मैंने न्योता दिया है कि कॉरपोरेशन में ही हम बैठेंगे और यहाँ डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द कमिश्नर कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जो हम वहाँ रखने वाले हैं, और उसी गति से हम तेज गति से काम करवाने वाले हैं। जी, लोगों का कई बार इसे कहना रहता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ कागज़ों में रहते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आते हैं। आप किस तरह से लोगों को आश्वासन देंगे, लोगों को बताएंगे कि अब जो कागज़ों पर होगा वो ज़मीनी स्तर पर भी नज़र आएगा। देखो, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड फॉलो अप दो चीज़ें रहती हैं हर चीज़ में, अगर ये होगा तो आपके प्रोजेक्ट्स भी फास्ट भागते हैं और बाकी चीज़ें भी चलती हैं। जी, और दूसरा ये है फॉर ट्रांसपेरेंसी, हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं कॉरपोरेटर्स की, जो कोई भी कॉरपोरेशन की सर्विसेज के रिलेटेड कंप्लेंट होगी वो वहाँ की जाएगी, और ये कमेटी वेरिफिकेशन करेगी कि ये कंप्लेंट सही है कि गलत है। अगर सही पाए गई तो इस पे हमने क्या कार्रवाई की वो भी हम सार्वजनिक करेंगे। जी, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी
और लोगों में एक विश्वास आएगा कि हाँ हमारी फीडबैक हमारी कंप्लेंट्स पे काम हो रहा है और इस तरीके से अच्छा काम चलेगा। लोगों की कई शिकायत रहती कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कई तरह के जो लोग ऐसे जो भ्रष्टाचार में हाथ बटाते हैं उसको लेकर किस तरह से नकेल आपके द्वारा कसी जाएगी? वो मैंने पहले से ही बोल रहा हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति करप्शन किया गया पाया गया उसका सीधे लेटर जाएगा डायरेक्टर विजिलेंस के पास। तो डायरेक्टर विजिलेंस का काम है आगे उसको तहकीकात करना और FIR लगाना और वो अवश्य लगेगी जी। और जो करप्शन करेगा उसके लिए दो ही जगह हैं, एक अम्फला में सेंट्रल जेल और दूसरी वहाँ बनतलाब में। ये तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ। जम्मू की तस्वीर बदलने की बात हो रही है लेकिन जम्मू में जगह जगह पर गड्ढे जो है वो पड़े हुए हैं और लोग जो हिचकोलियाँ खा खा के आगे बढ़ते हैं, उस पर क्या कुछ किया जा रहा है? मैं सभी कारपेंटर भाइयों को और बहनों को आह्वान करता हूँ आपके चैनल के द्वारा। कल ही मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी से बात हुई है, उनको मैंने स्पष्टता से बोला है कि आप एक स्पेशल विंग बनाइए जो सिर्फ गड्ढों को ही बढ़े। तो उन्होंने भी कहा है कि जहाँ जहाँ गड्ढे हैं आप मुझे सिर्फ उसका लोकेशन दे दो और मैं इसको भर दूंगा। और मेरा ये जो आपने प्रश्न किया है ये पहले से ही दिमाग में था और उसका सलूशन मैं कल ही लेके आया हूँ। अब मैं सभी कॉर्पोरेटर भाई और बहनों को बोलूँगा कि जितने भी आपके वार्ड में गड्ढे हैं उसकी लोकेशन मुझे दे दो ताकि वो एक कलेक्टिव फाइल में सबमिट की जाए और उस पर तुरंत काम होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कनेक्ट हुए और डायरेक्ट आप तक ग्रीवेंस पहुँचाए, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान आपने रखा है कि डायरेक्ट लोग आप तक संपर्क कर सके? पहली बात यह है कि 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं अपने ऑफिस में होता हूँ। आम पब्लिक के लिए मैंने रेड कारपेट का यहाँ वेलकम रखा है और मेरे पास सिर्फ आम जनता आएगी, मेरे कॉर्पोरेटर भाई बहन आएंगे, मीडिया कर्मी आएंगे और मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ये मैंने पहले दिन से ही तय कर दिया था। संपर्क के लिए कोई कांटेक्ट नंबर अगर आप शेयर करें? बिल्कुल है, लोगों को मालूम भी है, करते भी हैं और सबको मैं कॉल बैक भी करता हूँ, 9419126948। और जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं अनलेस कॉल्ड मेरे पास कोई नहीं आएगा, ये मैंने पहले दिन से ही कमिश्नर को बोल दिया है। और साथ में जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर हैं बाकी अधिकारी लोग ये सब कमिश्नर के पास जाएंगे, बिकॉज ही इज हेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये उनका काम है, ये मैं एक पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मुझे पब्लिक की ही ग्रीवेंसेस सुननी है और उसी के बीच में रहना है। और वैसे भी जो हमारे लोग हैं भाजपा के उन्होंने इतनी शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं कि लाठी गोली खाएंगे, भाजपा को लाएंगे और खुद कुछ नहीं पाएंगे, तो मुझे उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए, भाजपा का कार्यकर्ता मेरे लिए आदर्श है, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मुझे आगे काम करना है और उसी नीति से मैं काम कर रहा हूँ। लोगों का ये भी कहना रहता है कि जब आप काम करने पे आते हैं तो अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो उसके खिलाफ भी बोलने से चूकते नहीं है। देखिए हमें यहाँ लोगों ने चुन के भेजा है तो हमको बात करनी है लोगों की, और मैं किसी के फेवर और खिलाफ में नहीं बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक एक इशू को एड्रेस करने से अच्छा है सिस्टम ही अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि जब सिस्टम अच्छा होगा तो सारे इशू खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे जितने भी मैंने प्लान्स बनाए हैं वो इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हैं, कहने का मतलब ये है व्यवस्था के लिए है। जब हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी इशू खुद रिजॉल्व हो जाएंगे और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारे माध्यम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आने वाले समय में जिस तरह से जम्मू की तस्वीर बदलने वाली, क्या एक संदेश सभी व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे और क्या कुछ आग्रह उनसे करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ हमें माननी चाहिए कि जो आपकी आकांक्षाएँ हैं, जो आपकी समस्याएँ हैं, उस पर पूरा सही तरीके से नहीं उतरा गया है आज तक, और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याएं और आपकी प्रायोरिटीज़ पूरा ध्यान में रखते हुए उसको काम करेंगे। और ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जहां पहले कॉरपोरेशन थी ही नहीं, अभी पिछले 4 साल से बनी है, तो उसमें काफ़ी अच्छा हमारे जो पूर्व मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी, बहुत अच्छा सराहनीय उन्होंने काम किया, और जो डिप्टी मेयर थी पूर्णिमा शर्मा जी, उन्होंने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि यहाँ सिस्टम फेल्योर था तो सिस्टम को बनाते बनाते टाइम लगता है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि उसमें सिस्टम बनेंगे और बन रहे हैं, और आप सबको भी लग रहा है
कि कितना सिस्टम बन गया है। आप जब पहले यहाँ मेयर के ऑफिस में आते थे, बाहर कितनी हमारे सामने गाड़ियाँ लगी होती थी, आज आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी। वहाँ सिर्फ माननीय पार्षदों की गाड़ियाँ लगती हैं, या मीडिया कर्मी की लगती है, या एक आम जनता की लगती हैं। तो ये भी अपने आप में चेंज है, चीज़ें बदल रही हैं। अभी आप मेरे ऑफिस में देखिए कितने अपने कॉर्पोरेटर भाई बहन बैठे हैं, रात को हम मीटिंग्स कर रहे हैं, ये सब जनता के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जम्मू शहर के मेयर राजेंद्र शर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सिस्टम में बदलाव भी होगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम भी होगा, और लोगों को जरूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने, क्योंकि आने वाले समय में जम्मू की तस्वीर बदलेगी और बदल कर रहेगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहे यंग बाइट्स। अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।